और इसको हम गरम गरम खाएंगे घी के साथ। महाराष्ट्र स्पेशलिटी है। हेलो एंड वेलकम टू शिप्रास किचन एंड यू वॉचिंग सिंपली महाराष्ट्र। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अनदर महाराष्ट्र डेलिकेसी जिसका नाम है कैरी चपन्ना। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। वेरी सिंपल एंड ईजी एंड अ यम्मी बेवरेज। इट विल बीट द समर्स एनी टाइम। इसके अंदर डलता है कच्चा आम, तो ये कच्चा आम का जूस है या रस है। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से चंक्स ऑफ रॉ मैंगो, अ पिंच ऑफ कार्डमम पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, इसमें नमक डलेगा, एंड अ पिंच ऑफ क्यूमिन पाउडर यानी जीरा पाउडर, और साथ में शुगर। इट्स अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्वीट सावर एंड सॉल्टी। इसको मिक्स करेंगे सब शुगर ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी और ये एकदम चिल्ड सर्व किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम गोइंग टू ऐड मिंट लीव्स यानी कि पुदीने के फ्रेश पत्ते। मैं इसको काट के नहीं बल्कि तोड़ कर डाल रही हूँ ताकि जो फ्लेवर है इसका वो पूरे तरीके से आ जाए। तो चलिए लेट्स सर्व इट। ये ग्लास को हमने बहुत अच्छे से एजिंग दिया है। इसमें जो चंक्स आएंगे रॉ मैंगो के, दे आर गोइंग टू विन योर हार्ट। और ये लीजिए कैरी चपन्ना तैयार है। चीयर्स। कैरी पन्ना बनाने के लिए मेरी टिप है कि आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको इसमें टेक्सचर चाहिए तो आप इसको हाथ से ब्लेंड करें या फिर हैंड बीटर से ब्लेंड करें, और अगर आपको स्मूथ कैरी पन्ना चाहिए तो आप ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।